हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ चॉइसेस और हमारे डिसीजंस पे हमारा पूरी तरह से कंट्रोल रहे, लेकिन ये करना हमेशा इतना आसान नहीं होता और कुछ केसेस में तो शायद इम्पॉसिबल हो जाता। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने डिसीजंस पे और अपनी लाइफ जर्नी पे प्रॉपरली कंट्रोल रख सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है रीवैल्यूएट योरसेल्फ। हम में से अक्सर लोग अपने आप को रीवैल्यूएट करना भूल जाते हैं। हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, उन पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हम ये फैक्टर अक्सर इग्नोर कर जाते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम में भी चेंजेस आती हैं। कुछ चीज़ों में हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और कुछ चीज़ों में हम पहले से कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम अपनी इन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को प्रॉपरली इवेल्यूएट नहीं करते तो हमारे लिए आगे इफेक्टिवली मूव करना मुश्किल हो जाता है और अल्टीमेटली हमारे डिसीजंस हमारे हाथ से निकलने लगते हैं। अगर आपने अपने गोल्स कुछ अर्सा पहले सेट किए थे तो उनको दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। हो सकता है जितना फोकस आप पहले करते थे काम पे, अब शायद उससे ज़्यादा कर पाते हैं। अगर आप ज़्यादा फोकस से काम करते हैं तो आपको शायद वर्किंग आवर्स रिड्यूस करने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे काम होंगे जो शुरू शुरू में करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता होगा, लेकिन अब आप वो ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। इस रीवैल्यूएशन में हमें थोड़ा सा ओल्ड स्कूल अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। दो लिस्ट बनाएं, एक स्ट्रेंथ्स की और एक वीकनेसेस की। अपनी स्ट्रेंथ की लिस्ट को अपडेट करें, अपनी वीकनेसेस की लिस्ट को अपडेट करें, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो कि आप इस वक्त खड़े कहाँ हैं, और फिर आप उस बेस पे अपने शॉर्ट टर्म डिसीजंस को सेट कर सकें और लॉन्ग टर्म डिसीजंस को ट्यून कर सकें। ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपके उन फ्लॉज को हाईलाइट करेंगी जो करंटली आपकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि चीज़ें हाथ से फिसलती जा रही हैं। अब जब आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रिकग्नाइज कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप इज अपडेट योर गेम प्लान। जिस प्लान को आप फॉलो कर रहे थे अब उस प्लान को अपडेट करने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि उस प्लान के कौन से स्टेप्स हैं जो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अब कर पाते हो और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको शायद अब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अपडेट होने के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। आपके कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म प्लान्स होंगे जिनमें मेजर चेंजेस करनी पड़ेंगी, और ये भी पॉसिबल है कि आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स की कुर्बानी देने पड़े। तो इस स्टेप का पहला पार्ट ये है कि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को इवेल्युएट करें, उनमें से कुछ स्किप करनी है, किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है या किसी गोल को कम वक्त में अचीव किया जा सकता है। जब आप ये चीज़ समझ लेंगे उसके बाद हम आएंगे लॉन्ग टर्म गोल्स पे, और ये हमेशा एक इफेक्टिव हैबिट होती है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जब आप वो स्टेप्स कवर करते जाएं तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के करीब होते जाएं। अब जब आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रीवैल्यूएट कर लिया है, अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्यून कर लिया है, तो फाइनल स्टेप है स्टॉप वाइनिंग एंड गेट टू वर्क। जब भी हम जिंदगी में कोई चेंज लाना चाहते हैं या कोई चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो हमेशा हमारे अंदर एक नेगेटिव वॉइस पैदा होती है जो हमें उस नेगेटिविटी को रिजिस्ट करने को बोलती है। अब वो नेगेटिव वॉइस कभी कभी हमें बहुत सारे शॉर्टकट्स बताती है या फिर कभी कभी हमें इस चीज़ पे कन्विंस करना चाहती है कि ये जो चेंज हमारी लाइफ में आ रहा है ये हमारे लिए बुरा है। तो ज़रूरी है कि उस वक्त हम इस नेगेटिविटी से इफेक्टिवली डील करें, ये वाइनिंग और कंप्लेनिंग बिहेवियर से अपनी जान छुड़वाएं और काम को लगें। क्योंकि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो ना सिर्फ हमें ज़्यादा काम करना होता है बल्कि इफेक्टिवली काम करना होता है। तो उस वक्त अगर हम अपनी ही नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस होंगे या उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे लिए अपने आप को चेंज करना, रीवैल्यूएट करना, अपने गोल्स को रिविजिट करना, उनको दोबारा से ट्यून करना और उनको परसू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, और इसी कन्फ्यूजन की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम अपने आप को रेगुलरली रीवैल्यूएट करते रहें, अपने गेम प्लान को अपडेट करते रहें और इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिवली काम करते रहें तो यकीनन हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। दुआ यही है कि अल्लाह हम सबको बेहतर से बेहतरीन बनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़।